हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिजीप्लेक्स सिरप के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। डिजीप्लेक्स सिरप की कंपनी के बारे में बात कर तो पीरामल एंटरप्राइजेज इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर तो इसमें अल्फा माइलेज और पेप्सिन कंपोजिशन दिया होता है, जिसके MRP 82 रुपये होता है, और 200 ml का लिक्विड जिसके MRP 112 रुपये होता है। अब सबसे पहले हम डिजीप्लेक्स सिरप के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इस सिरप का उपयोग इनडाइजेशन यानी कि अपच की समस्या को ठीक करने के लिए डिजीप्लेक्स सिरप का यूज लिया जाता है। बदहजमी को अपच के रूप में जाना जाता है। यह पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाला दर्द या बेचैनी है। अपच अन्य लक्षणों के साथ भी हो सकती है, जैसे कि पेट का भरा हुआ या फूला हुआ महसूस होना, सीने में जलन का होना, जलन का एहसास यानी कि एसिड के पेट से होकर भोजन नली में जाने के कारण जलन का एहसास हो सकता है, मतली या डकार का होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या बेचैनी या फूला हुआ महसूस होना, ये कुछ लक्षण हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अपच की समस्या को ठीक करने के लिए भी डिजीप्लेक्स सिरप का यूज लिया जाता है। और बात कर तो इस सिरप का उपयोग एसिड रिफ्लेक्स की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। एसिड रिफ्लेक्स एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में मौजूद अम्ल वापस इसोफेगस में जाने लग जाते हैं। गले और पेट को आपस में जोड़ने वाली ट्यूब को इसोफेगस या भोजन नली कहा जाता है। अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स की समस्या कभी कभार होती है तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्थिति आमतौर पर अत्यधिक मात्रा में खाना खाने या पीने के कारण हो सकती है। पेट में दबाव बढ़ जाने के कारण भोजन नली की वाल्व खुल जाती है, जिसके कारण एसिड रिफ्लेक्स होने लग जाता है। कुछ स्थितियां जो पेट में दबाव को बढ़ा देती है, जैसे कि अधिक भोजन खा लेना, मोटापा और अधिक मसालेदार खाना खाना। तो एसिड रिफ्लेक्स की समस्या को ठीक करने के लिए भी डिजीप्लेक्स सिरप का यूज लिया जाता है। और बात कर तो इस सिरप का उपयोग एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। एसिडिटी या पेट में जलन महसूस होना एक सामान्य समस्या है, जो मुख्य रूप से छाती या सीने में जलन पैदा करती है। आमतौर से यह जलन छाती के निचले हिस्से के आसपास महसूस होती है। पेट के अम्लीय पदार्थों का खाने की नली यानी कि ग्रास नली और इसोफेगस में आ जाना एसिडिटी का मुख्य कारण होता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक अम्ल होता है। यह अम्ल भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है और बैक्टीरिया जैसे रोगजनकों से बचाता है। तो एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए भी डिजीप्लेक्स सिरप का यूज लिया जाता है। और बात करते हैं डिजीप्लेक्स सिरप का उपयोग बर्मपिंग यानी कि डकार आने की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। डकार मुंह के जरिए पेट से हवा को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। जब पेट के अंदर बहुत अधिक हवा पहुंच जाती है तो इससे पेट फूल जाता है और इस समय व्यक्ति को डकार आ सकता है। इसे अंग्रेजी भाषा में बफरिंग या बेल्चिंग कहा जाता है। इसकी वजह से खराब पेट में राहत मिलती है, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा होने लगे तो इसे स्वास्थ्य समस्या का संकेत माना जा सकता है, तब भी डिजीप्लेक्स सिरप का यूज लिया जाता है। और बात करें तो डिजीप्लेक्स सिरप का उपयोग हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। सीने में जलन को आम बोलचाल की भाषा में दिल में जलन यानी कि हार्टबर्न भी कहा जाता है, जबकि दिल से इस समस्या का कोई रिश्ता नहीं होता है। हालांकि इसके कुछ लक्षण दिल का दौरा और अन्य हृदय संबंधी रोगों के समान भी हो सकते हैं, तो तब भी डिजीप्लेक्स सिरप का यूज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे डिजीप्लेक्स सिरप के कुछ फायदे। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस सिरप का यूज किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए यूज में ले। अब फायदे जानने के बाद हम डिजीप्लेक्स सिरप की डोज के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इस सिरप को आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद दोनों ही समय यूज कर सकते हैं। अगर आप इस सिरप को खाना खाने से पहले यूज करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इस सिरप के आप 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाना खाने से पहले ले सकते हैं।
अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं डिजिप्लेक्स सिरप को लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट महिला है तो यह सिरप आपके लिए सुरक्षित है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो वह भी इस सिरप का यूज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी डिजिप्लेक्स सिरप के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।